तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अजजा में। कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस वक्त आपको कतर में जॉब मिल जाती है और कंपनी वीजा नहीं दे रही है, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, और मैं आपको कतर के आजाद वीजा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को जरूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और गर्ल्स रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज दोस्तों नमाज पढ़ना शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और दोस्तों, कतर का, सऊदी का या दुबई का आजाद वीजा चाहिए, जॉब वीजा चाहिए, या फिर गर्ल्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ऑफर लेटर चेक कराना, या फिर आपको अपना मेडिकल में हेल्प चाहिए, या फिर इमिग्रेशन कराना है, तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उन लोगों को जॉब कैसे मिलेगी जिस कंपनी ने उनको हायर कर लिया, जैसे हायर कैटेगरी की पोजिशन हो गई, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या फिर दोस्तों कोई और अच्छी कैटेगरी हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, या फिर डिविजनल हेड हो गए, या कोई भी हो गए, CEO हो गए। तो उनको जो है जाना है कतर, और कंपनी के पास वीजा नहीं है, कंपनी कह रही है आप वीजा अपना लेके आ जाइए तो हम आपको जॉब दे देंगे, तो इस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी ऐसा है कि बहुत सी कंपनी के पास वीजा नहीं है, लेकिन उनको अच्छे कैटेगरी के बंदे चाहिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको अच्छे कैटेगरी के बंदे चाहिए हैं, और वो बंदे जा सकते हैं उस कंपनी को ज्वाइन करने, लेकिन दिक्कत ये आती है कि अभी उस कंपनी के पास वीजा नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में वो लोग क्या करें, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में उनको जो है आजाद वीजा लेके कतर चला जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांस वीजा जिसको हम लोग कहते हैं, उनको फ्रीलांस वीजा कंपनी भी सजेस्ट करती है कि अगर आप किसी और के स्पॉन्सरशिप में हैं, या फिर अगर आप कहीं और से वीजा लेके आ जाते हैं, तो हम आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो उस सूरत हाल में इनको जो है फ्रीलांस वीजा लेके कतर चले जाना चाहिए। कतर जाने के बाद जो है वहां पे अपना कंपनी में वो लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको कतर का आजाद वीजा चाहिए, अभी हम लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है दोस्तों, और अगर आपको जाना है तो आप मुझे जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो है दोस्तों, मैं इस पर दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि अभी प्राइसेस कुछ कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कतर का आजाद वीजा चाहिए तो उसका कुछ प्राइसेस कम हुए हैं, और जो ID वगैरह होती है वो सब आप लोगों की बन जाएगी, उसके बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं। कुछ सूरत हाल में ऐसा भी होता है कि कंपनी आपको जो है पहले ही ट्रांसफर करवा लेती है, और आपको ID भी नहीं बनानी पड़ती, बस आप वहां पे गए और अपना क्वारंटीन निकालने के बाद आप तुरंत कंपनी में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं और उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो दोस्तों तकरीबन 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का होता है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा और आप लोग दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।